बाहू एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ रितिका। हर बार आपको बताया जाता है कि आपको कितने ज़रूरी है रूल्स को फॉलो करना। जब आप रोड पर निकलते हैं, ट्रैफिक रूल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आप लोगों को हम हर बार बताते हैं। और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से नाका लगाकर लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि आप लोगों को रूल्स जो है कितने सख्ती से फॉलो करने पड़ते हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको मैं ब्रिज से दिखा रही हूँ, यानी कि गुजनगर ब्रिज जो पड़ता है वहाँ से आपको तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से ब्रिज पर ही नाका लगाया गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जमावड़ा जो है वो लोगों का होता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से निकलती है, इसीलिए यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा नाका लगाया गया है ताकि जो भी ट्रैफिक रूल्स वायलेटर्स हैं, यानी कि जो भी नियम का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए और लोगों को अवेयर भी किया जाए। फिलहाल तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं और लगातार हम आप लोगों को जो है वो तस्वीरें दिखाते रहते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाता है जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, यानी कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, गाड़ियों में जाकर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है जब वो पब्लिक एरियाज़ में होते हैं, तो किस प्रकार से एक्शन जो है वो पुलिस द्वारा लिया जाता है इस जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाका लगाना, क्योंकि बहुत से लोग जो है रूल्स वॉलेट करते हैं। ये देखिए, एक की बाइक पर तीन लोग सवार हैं जिसमें ना हेलमेट पहनी गई है ना ही मास्क जो चला रहे हैं उन्होंने पहना है। एक ही बाइक पर जो है वो दो से ज़्यादा लोग सवार नहीं हो सकते हैं, और जबकि नए रूल्स अगर मैं आपको बताऊं तो नए रूल्स में यही है कि दो लोगों को हेलमेट पहननी है, मास्क पहनना है, और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में भी अगर दो लोग हैं तब भी आपको सीट बेल्ट पहननी है और मास्क ज़रूरी पहनना है। लेकिन एक ही व्हीकल पर जो टू व्हीलर होता है उस पर दो से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। दो व्यक्तियों के बैठने के लिए भी जो है नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो वो लोग इस बात के लिए अपना रोष दिखाते हैं कि आखिरकार हमें क्यों रोक दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमेशा अगर अपनी ड्यूटी निभाती है, नाका लगाती है, तो वो इसीलिए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, ना कि किसी भी तरह से रूल्स और लेटर्स को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि जब रूल्स होते हैं वो हर एक को फॉलो ज़रूर करने होते हैं। गाड़ी में तीन लोग और तीन लोगों में से फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट और साथ वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठे हैं मास्क नहीं पहना, पुलिस द्वारा रोका गया, समझाया गया कि अभी भी कोविड है, मास्क ज़रूर पहने, इस चीज़ को वॉलेट ना करें क्योंकि फ़ाइन बनता है अगर आप मास्क नहीं पहनते। अगर आप पब्लिक एरिया में हो रहा आपने मास्क नहीं पहना, 500 रुपीज़ आपका चलान जो है यानी कि फ़ाइन जो है वो भी बनता है। कभी भी आप लोग रॉन्ग साइड ना जाएं, अगर किसी भी तरह का हादसा होता है तो वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए मैंने कैप्शन में ये लिखा है कि अब रूल्स तोड़ने वालों के घर नहीं, क्योंकि हर चप्पे चप्पे पर जो है वो नज़र रखी गई है, और ख़ास तौर से ये नज़र इसीलिए भी रखी गई है क्योंकि आप लोग जानते हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से हमले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार उन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम करती आ रही है। और इसीलिए भी गाड़ियों की चेकिंग होना, कौन व्यक्ति कहां से आया है उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना, बाकी उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे चेक करना, ये ज़रूरी जो है वो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। हर जगह पर नाका लगा कर लोगों की गाड़ियाँ भी चेक करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और जब उन पर बात आती है तो वो बहस करते नज़र आते हैं हमारे ट्रैफिक विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। अभी भी जो है आपको मैंने दिखाया था कि एक ही बाइक पे तीन लोग सवार थे जिसमें व्यक्ति ने ना ही हेलमेट पहनी हुई थी ना ही मास्क जो है वो पहना था, रूल्स को वॉयलेट किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा रोका गया और अब उनको अवेयर तो किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जब उनकी ओर से अग्रेशन दिखाया जाता है तो उनके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ता है।
जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, अपने व्हीकल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैं, उनको तो साफ तौर से जाने दिया जाता है, उन्हें ना ही रोका जाता है। अगर आप खुद ही जो है अपने रूल्स फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, जब आप घरों से बाहर निकलते हैं मास्क पहनेंगे, तो आपको जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कोई रोकेगा ही नहीं। किसी भी तरह के अगर नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको सड़क पर जाते ही, रोड पर जाते किसी भी चीज़ का डर जो है वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार आप लोगों को अवेयर किया जाता है इस तरह के नाका दिखाकर कि आप लोगों को अवेयर रहना है और ना ही रूल्स को वायलेट करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और जो वायलेट करते नज़र आते हैं उन लोगों को भी अवेयर करना है इस चीज़ के लिए, ताकि अगर आप खुद फॉलो कर रहे हैं, आप दूसरे को समझाएंगे, दूसरा जो है तीसरे को समझाएगा, ऐसे जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेन बनती जाएगी और ट्रैफिक जो वायलेट करते हैं, रूल्स वायलेट करते हैं, उन लोगों पर नज़र जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की है ही है। तो इस प्रकार से नाके लगेंगे, आप पर एक्शन होगा, तो मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ के खुशी मिलेगी कि उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो आप लोग जब भी घरों से बाहर निकलते हैं प्रॉपर तरीके से रूल्स फॉलो करें, ना कि वॉलेट करें, क्योंकि अब हरकत में आ चुकी है जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, और हर जगह पर ऐसे नाके लगाकर लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को वॉलेट ना करें। अगर आप टू व्हीलर पर हैं, दो लोग बैठते हैं, दोनों को हेलमेट जो है वो ज़रूर पहननी चाहिए। अगर आप गाड़ी में हैं, आपको सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए, और मास्क पब्लिक एरियाज़ में ज़रूर पहनें। बाकी की ऐसी तमाम रिश्ते आप लोग जुड़ रहे हैं बाहर उसके साथ।